इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 डेज इन ए स्कूल। एक स्कूल में एग्जीबिशन लगी हुई है 4 दिन के लिए। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वॉज रिस्पेक्टिवली 1,094, 1,812, 2,050 and 2,751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. कि total number of tickets इन 4 दिनों में कितनी tickets बेची गई हमें इस फाइंड करना है। जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टिकट्स हैं और यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डेज में जितनी भी टिकट सोल्ड की गई हैं, उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इनको। ज्यादा मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, तो डायरेक्ट हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज इक्वल, हम इनको ऐड कर देंगे, 4, 2, 6, 6, 7, 5, 10, 10, 1, 11, 11, 9, 20, 2 carry, 8, 7, 15, 15 or 2 carry, 17, एक कैरी 2, 2, 4, 5, 6, 1 कैरी थी 7, 7,707 टिकट्स, ये आंसर आ गया। ये सिंपल क्वेश्चन था जिसमें टोटल नंबर ऑफ टिकट्स पूछे थे, इसमें सभी को हम प्लस कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर, ही हैज सो फार स्कोर्ड 6,980 रन इन टेस्ट मैचेस। उसने अपने मैचेस में 6,980 रन बनाए, लेकिन वो 10,000 रन्स बनाना चाहता है, तो इसके लिए हाउ मैनी मोर रन्स डस ही नीड, और कितने रन बनाए कि 10,000 के इक्वल हो जाए। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, कितनी रिक्वायरमेंट्स होगी रन की, 10,000 में से 6,980 को सबट्रैक्ट करेंगे, 10,000, 6,980 हम इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ 0, यहाँ से हम कैरी इधर लेंगे और यहाँ से कैरी हम इस साइड लेंगे, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0, यहाँ अब बचे 9, 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3,020 रन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स। एक इलेक्शन में जो जीतने वाला कैंडिडेट था उसने 5,77,500 वोट्स लिए, जो अगेंस्ट में थे उसके वोट थे 3,48,700 वोट्स। जो कैंडिडेट जीता था वो कितने मार्जिन से उसने अपनी जीत हासिल की, टोटल उसे जो जीतने वाला कैंडिडेट था वो 5,77,500 मिले, और जो उसके अगेंस्ट में जिसने वोट लिए वो 3,48,700 वोट्स मिले। अब हमें मार्जिन निकालना, मार्जिन निकालेंगे हम जो जीतने वाले कैंडिडेट से जो उसके अगेंस्ट में यानी वो हार गया उसके वोट को हम सबट्रैक्ट, तो इससे हमारे मार्जिन वोट्स निकल आएंगे इक्वल 5,77,500 सबट्रैक्ट करेंगे 3,48,700। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 0, यहाँ से हम कैरी ले लेंगे 15, 15 में से 7, 8, यहाँ रह गए 6, फिर यहाँ से कैरी ले लेंगे 16, 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8, यहाँ रह गए आपके 6, 6 में से 4, 2, 5 में से 3, 2, 2,28,800 वोट से उसने अपनी जीत हासिल की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
Kirti Book Store sold books worth ₹2,85,891 in the first week. फर्स्ट वीक में कितनी बुक्स, कितने रुपए की बुक्स वो सोल्ड करती है? 2,85,891 की ऑफ जून. एंड बुक्स वर्थ द रुपीज 4,768 इन सेकेंड वीक. देखो फर्स्ट वीक में कितने, फर्स्ट वीक में है 2,85,891, सेकेंड वीक में है 4,768 रुपीज. How much was the sale for the 2 weeks together? जहां पर together है इसका मतलब क्या है कि हमें first week में जितने रुपीज की books sold की गई हैं और second week में जितने रुपीज की sold की गई हैं उनको हम क्या कर देंगे, add. फिर है in which week was sale greater? किस week में सबसे ज्यादा हुई है, in week में किस में हुई है सबसे ज्यादा, second week में. And कितनी हुई है ये हम सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे. पहले सबसे फर्स्ट 2 weeks टुगेदर, तो हम सबसे पहले टुगेदर है इस इन फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में जितने भी रुपीस अमाउंट की बुक्स सेल हुई है उसको हम प्लस कर देंगे. द सोल्ड बुक्स फॉर 2 weeks टुगेदर इक्वल 2,85,891 4,768 इनको हम प्लस कर देंगे 8,19,9,615 एक कैरी 8 और 7,15 51,16 5,16,8,6 6,86,659 रुपीस. दोनों वीक की मिलाकर इतने रुपीस की 6,86,659 रुपीस की बुक्स सोल्ड की गई है. अब सेकंड पूछा इसमें इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर, तो सेकंड वीक, सेकंड वीक वाज द सेल ग्रेटर. हाउ मच, हाउ मच के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4,768 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2,85,891. 8 में से 1 7 यहां से हम कैरी ले लेंगे 16 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 यहां रह के 6 फिर एक कैरी यहां से लेंगे 16 16 में से 8 यहां अब यहां से कैरी हम यहां लेंगे और 4 से कैरी हमने यहाँ ले ली तो यहाँ रह गए आपके 9 9 में से 5 4 यहाँ 9 9 में से 8 1 यहाँ 3 3 में से 2 1 1,14,877. तो इसमें जब हम आंसर लिखेंगे तीन आंसर होंगे. एक आंसर ये टुगेदर वाला था, दूसरा आंसर सेकंड वीक वाला था और थर्ड आंसर इतने ग्रेटर अमाउंट था तो 1,14,877. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटेन यूजिंग द डिजिट 6,2,7,4,3 ईच ओनली वंस. कौन कौन सी डिजिट है, 6,2,7,4,3 इसमें हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे और इसी डिजिट का यूज करते हुए हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे. तो ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर बनाते समय सबसे पहले ग्रेटेस्ट 7, फिर इससे लेस देन कौन सी है 6,4,3,2. स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर को लीस्ट नंबर भी कहते हैं. इसमें सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 2, इसको हम सबसे आगे लिखेंगे 2, फिर 3, 4, 6 एंड 7. ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन गया, ये ग्रेटेस्ट नंबर था. अब डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट करना है. यहां से कैरी लेंगे, यहां हो जाएगा 12, 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, यहां रह के आपके 2, फिर 2 से तो ही जाएगा नहीं, फिर कैरी ले लेंगे तो 12, 12 में से 6, 6
यहाँ रह के आपके 3, 3 में से 4 नहीं जाएगा, फिर यहाँ से कैरी ले लेंगे 13, 13 में से 4, 9, यहाँ रह के आपके 5, कैरी तो ऐसे चल रही थी, यहाँ रह के 5, 5 में से 3, 2, या 7 में से 2, 5, तो आंसर आ गया 52,965. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 2,825 स्क्रूज ए डे, एक मशीन है जो कि एक दिन में 2,825 स्क्रू बनाती है. हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006, यानी जनवरी के महीने में मशीन ने कितने स्क्रू प्रोड्यूस किए. तो पहले ये देखते हैं कि जनवरी के महीने में कितने डेज होते हैं. तो मंथ ऑफ जनवरी इक्वल 31 डेज, और वन डे में स्क्रू कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, अ मशीन इन वन डे इक्वल 2,825, और 31 डेज अधिक के लिए क्या करते हैं हम, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई 2825 मल्टीप्लाई बाई 31 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 से करेंगे सेम डिजिट आएगी 5, 1 का 5 में करेंगे तो 5, 1 का 2 में करेंगे 2, 8, 2, फिर मल्टीप्लाई 3, 5 जै 15, 1 कैरी 3, 2 जै 6, 6 जै 1 7, 3, 8 जै 24, 2 कैरी 3, 2 जै 6, 6 जै 2 8, 5, 5 जै 7, 8 जै 7, 15, 1 कैरी 4, 2, 6, 6, 7, 7, 8, 87,575 स्क्रू, इतने स्क्रू बनेंगे.